ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलडाना की, जहां श्री लक्ष्मी नरसिंह जन्मोत्सव नवरात्रि का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां 10 दिन से पानी की समस्या पर फूटा लोगों का गुस्सा। और चर्चा करेंगे गोंडा की, जहां जमीनी मामले में दो पक्षों के बीच चले लाठी डंडे और हुई बमबाजी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बुलडाना जिले में मैकर व स्थान था, जहां नरसिंह ने अपना उग्र रूप त्याग कर और शांतिपूर्ण रूप धारण करने के बाद लक्ष्मी और प्रहलाद के साथ भोजन किया था। दुनिया भर के 11 प्रमुख नरसिंह स्थलों में छठा स्थान प्राचीन जागृत और अत्यंत सुंदर नरसिंह मूर्ति का है। ये मूर्ति 1500 साल पुरानी है और 450 साल पहले तब से मंदिर में विराजमान है, जब श्यामराज महाराज पितले को सपने के अनुसार ये भूमिगत सुरंग में मिली थी। शिवाली उमालकर है मेरा नाम, नागपुर से आई हूँ यहाँ पे अपनी सेवा देने। 4 पीढ़ियों से हमारी गुरु सेवा यहाँ पे है, आनंद मिलता है, सेवा करने की इच्छा होती है। मेरा अनुभव जैसा कि अच्छा ससुराल मिला है कि जहाँ पे ऐसे गुरु परम्परा जिस घर में हो ऐसा घर मिलना, ये भी मैं खुद का सौभाग्य समझती हूँ। मैं प्रिया संदीप पुरोहित। ये मंदिर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में पहले मैं यहाँ बहू हूँ यहाँ की, तो इन्होंने बताया मंदिर बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ आके बहुत प्रसन्न हुआ। पहली बार आई हूँ मैं मंदिर में और बहुत अच्छा लगा। मैं संगीता विवेक जोशी, मी पण रोज नरसिंहच्या दर्शनाला येते, इथे आल्यानंतर मन प्रसन्न होते आणि मनाला शांतता लागते। मैं डॉक्टर श्रीहरी पितळे। ये जो मंदिर में हम बैठे हैं वो भगवान नरसिंह जी का मंदिर है। यहाँ 12 पीढ़ियों से हम इसकी सेवा करते आए हैं। ये जो मूर्ति आपके सामने श्री मूर्ति दिख रही भगवान नरसिंह जी की, ये अपने आप में अनूठा एक उदाहरण है। किसका? तो मूर्ति शास्त्र और वास्तुकला का। विश्व में 11 नरसिंह जी के मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, उनमें छठा मंदिर है। यहाँ भगवान नरसिंह जी ने इस स्थान पर भोजन किया था, इसलिए यहाँ पर भगवान नरसिंह जी शांत हुए थे। इसी के साथ यहाँ लक्ष्मी जी का उनकी मुलाकात हुई, वो सम्मिलन हुआ, इस कारण यहाँ इस भगवान लक्ष्मी भगवान नरसिंह जी का नाम जो है वो लक्ष्मी नरसिंह मेकर के स्थान से पड़ा है। भगवान में नरसिंह जी ने अपने शांत रूप में यहाँ पर भक्तों को वरदान दिया कि जो यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा उसे अपनी इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति तकरीबन 1500 साल पुरानी है। ये कुछ मूर्ति शास्त्रज्ञों के अनुसार ये वाकटककालीन है, और वैसे रचना के आधार पर इसे उत्तर चालुक्यकालीन यानी तकरीबन इसे इस ईसा के 8वें या 9वें शतक में हम माना जाता है। ये भगवान नरसिंह जी की जो श्री मूर्ति जिस भूगर्भ में मिली है उसको भुयार कहते हैं स्थानिक लोग। श्यामराज पितळे जो हमारे पूर्वज थे उनको मिली थी, तब उन्होंने सप्त दृष्टांत के आधार पर उनको मिली थी। वहाँ से बाहर कैसी निकाली है बहुत बड़ा प्रश्न था। आज भी अगर आप देखें तो पहले रूम में जाने का दरवाज़ा बहुत छोटा है, उससे भी दूसरे वाले रूम में जाने का दरवाज़ा उससे भी छोटा है। कोई मोटा आदमी वहाँ अंदर जा नहीं सकता, इतनी छोटी है और पत्थरों से बनी है। वहाँ से मूर्ति अपने आप निकली कैसी, ये सभी को अब वहाँ उस वास्तु को देखने के बाद ये प्रश्न अपने सामने आता है कि मूर्ति निकली कैसी हो। कि ये जो मूर्ति निकली है, तब कुछ समय के लिए सबों ने श्रद्धा से भगवान को प्रार्थना की थी और भगवान अपने लिए उस मूर्ति कुछ काल के लिए फ्लेक्सिबल रबर जैसी हो गई थी कुछ समय, और इसलिए मूर्ति को ऐसा लोग मानते हैं कि मूर्ति को झुका कर कहीं जहाँ पर आड़े वहाँ पर उसको झुका कर वो मूर्ति को बाहर निकाला गया। बुलडाना से सीनियर संवाददाता संदीप साहब जी की रिपोर्ट। सदर थाना क्षेत्र के सैदा जंगल में एक युवती का शव मिला है। शव की पहचान सैदा निवासी रूबी कुमारी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि रूबी का प्रेम प्रसंग प्रतापपुर निवासी राजेंद्र बिरहोर से चल रहा था। दोनों को लड़की के भाइयों ने रात के करीब 10 बजे पकड़कर जंगल की ओर ले गए और उसका ताड़ी से मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवती के दोनों भाई फरार हैं। इधर घटना की जानकारी प्राप्त होते ही सदर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जीजा लाया था। जीजा क्या नाम? जीजा का नाम बताओ। लालू जीजा। हाँ। तो मेरा बहन मतलब कि मारी पी रहे थे, तभी मेरा जीजा बोला कि लड़की लड़की के पास फोन लगा रहे हैं, बात करेंगे। तो उसी समय मैं बोला
कि कौन लड़की है, मेरा बहन कौन है, इस तरह बोले। तो फिर घर में आए तो यहाँ पे झगड़ा करने लगा पूरा। तो बहुत समझाए हम, तो समझाते हुए नहीं समझ पाया तो पूरा मारने लगा हमको। उसी में अथी हुआ, पटके पटके हुआ दोनों में, तो पूरा बहस हुआ। तो लालू जी थे तो वो चला गया इसका भाई को बताने, संतु और रंजीत नाम है ना, तो उसको बताने चला गया। तो उसको बताने चला गया, बोल रहा है पिटवाएंगे आज। गया बुला के लेके आया। क्या बताने के लिए जाएंगे? मतलब कि ऐसे वैसे बोल रहा था कि कुछ नहीं उखाड़ने पाएगा, नहीं कुछ करने पाएगा। किस पास को लेके? कि जब उसका बहन से बात करते हैं ना। किसकी बहन से? संतु का बहन से। तुम बात करते हो? तुम बात करते हो? हाँ मैं बात करता था, इससे बात करता था। हाँ। तो बोला कि हम जग बता देंगे। तो गया कि आज तुमको मरवा देंगे, ऐसे वैसे बोला। कौन बोला ये बात? मेरा जीजा। अरे खुल के बताओ ना, पूरा बताओ, पूरा जीजा के। सुनो ना ए बाबू। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत होने पर लोगों का गुस्सा फूटा। बता दें पानी न मिलने से नाराज लोगों ने स्टेशन रोड पर जाम लगा दिया, नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने काम शुरू कराया। थाना दक्षिण क्षेत्र के नई बस्ती मोहल्ले का मामला है, जहां पर विगत 10 दिनों से पानी नहीं पहुंच रहा था। पानी न मिलने से परेशान लोगों का धैर्य जवाब दे गया और वो एकत्रित होकर स्टेशन रोड पर आ गए, जहां उन्होंने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। लोगों का कहना था कि स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं, नई पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसके चलते विगत 10 दिन से उनके मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। पानी ना मिलने पर उन्होंने जाम लगाया है। जाम की सूचना पर नगर निगम के एई मुंशी लाल वर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि उन्हें पानी उपलब्ध कराने के लिए कार्य शुरू कराया जा रहा है, जल्दी पानी की आपूर्ति मोहल्ले में की जाएगी। उनके आश्वासन पर ही लोगों का गुस्सा शांत हुआ और करीब एक घंटे बाद जाम खुल सका। आइए जानते हैं इस विषय में ग्रामीण मितेश अग्रवाल का क्या कुछ कहना है। अमरजीत सिंह नाम है मेरा। हाँ, ये जाम लगाया है, क्यों लगाया है? पानी के चक्कर में जाम लगा है, एक महीने से रोज टालम टोली हो रही है, जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, नई लाइन डाल दी है, उसके बाद गली में पानी नहीं आ रहा है। और रोज आश्वासन दिया रहा है आज जाएगा, आ जाएगा। अब कल DM जो भी आ रहे हैं अफसर बाहर से चेक के लिए, उसके लिए लीपा पोती करके हमें टाला जा रहा है कि 2-4 दिन रुको, उसके बाद कर देंगे। लेकिन अब हमें पानी चाहिए। हम लोगों भीषण गर्मी है, 47 डिग्री टेम्परेचर है, किस तरह की समस्या आ रही है? पीने का पानी तक नहीं है हमारे घर पर, और ये लोग आश्वासन दे रहे हैं आज होगा कल होगा, पानी नहीं आ रहा है। कब तक ये धरना जा रही है? जब तक ये पानी नहीं आएगा, जब तक हमारी समस्या समाधान नहीं होगा, तब तक हम करेंगे। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ सीनियर संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे डाल गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा 3 लोगों पर जमकर बमबाजी करके लाठी डंडों से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। बमबाजी में 3 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल एक युवक गोंडा के जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां पर इलाज चल रहा है। वहीं 2 घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं बमबाजी में घायल मिट्ठू लाल के भाई तुलसी राम ने बताया कि संतोष कुमार पासवान 40 साल पुरानी आबादी की जमीन को लेना चाहते थे। हमने किसी तरीके से कानून का सहारा लेकर के उस पर निर्माण करवा लिया था, जिसको लेकर के वह बार बार धमकी दे रहे थे। वहीं पूरे मामले को लेकर के अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि मिट्ठू लाल पासवान और संतोष पासवान दोनों के बीच एक जमीनी विवाद था, जिसको लेकर मारपीट और हथगोले चले हैं। पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर 4 नामजद 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। तुलसीराम डालप्रवा पूरे डाल, मामला यह हुआ था, हमारे भाई मिट्ठू और संतोष इनके दोनों के बीच जो जमीन पड़ी थी आबादी की, हमारी जमीन थी वो 40 साल पुरानी थी, आबादी थी वो, उस पर ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे। हमने कानूनों द्वारा उसको बनाया, उसके बाद में इन्होंने हमारे भाई को उसी घर में मारा पीटा, संतोष से गोला से
बंदूक से, बंदूक भी चली है वहाँ पे, लाठी भी चली है, बम भी चला है, अद्धा भी चला है। ये घटना हुई 8:30-8:30 के बीच में, आज रात में। आज रात में यहाँ पे मैं उसको एडमिट कर रखा हूँ अपने भाई को, इलाज चल रहा है उसका, कार्रवाई हो। वो लोग, उनकी लोग की कोई ज़मीन नहीं थी, वो ज़मीन हमारी ही थी, ज़बरदस्ती वो कब्जा करना चाहते थे। कौन कब्जा करना चाहता था? संतोष, संतोष कुमार। क्या करना चाहते थे? वो कह रहे थे कि ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन आपको नहीं दूंगा, या कोई भी हो, या प्रधान आए या कानून आए, कुछ भी हो। इन्होंने क्या, किससे मारा है रात में? रात में बम से, बम भी चला है, अद्धा भी चला, हाकी भी चली है, लाठी भी चली है। लगभग कितने लोग थे? 40-50 आदमी थे, बाइक से आए थे, चार चक्का से आए थे, आदमी बुला रखे थे संतोष। ये पूरे डाल नाम के एक गांव में मिट्ठू पासवान और संतोष पासवान के बीच एक ज़मीनी विवाद था। इस ज़मीनी विवाद में राजस्व की टीम के साथ इसका समाधान कर दिया गया था, आंशिक समाधान कर दिया गया था। अभी इस पर कार्रवाई चल रही थी। कल रात को संतोष पासवान अपने कुछ साथियों के साथ आकर मिट्ठू पासवान के घर पर हमला किए हैं, उसमें लाठी डंडे और हथगोले का भी प्रयोग किया गया है। इस पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई है और फील्ड यूनिट, एसओजी और सर्विलांस सबको मौके पर बुला लिया गया था। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। चार अभियुक्त, उनके द्वारा दिए गए तहरीर में चार अभियुक्त नामजद हैं और 15-20 अज्ञात हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, इसमें किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, जल्दी ही हम गिरफ्तारी कर लेंगे। इसमें इसमें जो भी उन्होंने तहरीर दी थी, तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। गोंडा से सीनियर संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। युवान हत्याकांड को लेकर सर्व समाज का एक प्रतिनिधि मंडल आज युवान हत्याकांड के दोषियों को अविलंब सजा दिलाने की मांग को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से उनके कार्यालय में मिला और युवान के इलाज में घोर लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक व उसके स्टाफ के खिलाफ सख्त धाराओं में कानूनी कार्यवाही किए जाने की भी मांग की है। आईओ राहुल शर्मा द्वारा चार्जशीट में इस बात का हवाला भी किया गया है कि पुलिस द्वारा साक्ष्य हटाने की धारा 201 अभियुक्त के खिलाफ नहीं लगाई है। अब हालात ये हैं कि अभियुक्त डॉक्टर जितेंद्र के परिजनों पर सामाजिक व राजनैतिक दबाव बना रहा है। परिजनों एवं सर्व समाज ने एसएसपी से मांग की है कि इस मामले में दोषी चिकित्सक व उसके स्टाफ के सख्त धाराओं में कार्यवाही की जाए तथा समय से पुलिस चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करे, अन्यथा सर्व समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगा। सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल में सुखविंदर सिंह, अजब सिंह, रोहित राणा, शिव कुमार राणा आदि मौजूद रहे। सुखजिंदर कुंडीर, प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि हम, मेरा बेटा 6 अक्टूबर रात 9 बजे डॉक्टर जितेंद्र चुक के यहाँ 2023 डॉक्टर जितेंद्र चुक के यहाँ में लेकर आया हल्के से पेट दर्द में। डॉक्टर साहब को फोन करके आया, उन्होंने कहा आप ले आइएगा, हल्का सा पेट दर्द था। डॉक्टर साहब ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं इसको इंजेक्शन दे रहा हूँ, आप अभी आराम हो जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉल पे देखा, सुबह तक डॉक्टर साहब ने मतलब ऐसे ही किया, रात को यही बोलते रहे कि भाई हल्का सा इन्फेक्शन है, आप एडमिट कर लो और सुबह तक बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब आए हैं नहीं सारी रात, इमरजेंसी फीस ली मेरे से और अपने अटेंडेंट से जो 10th फेल है, मतलब नो सीखिया है उसे कुछ। अब मैंने इमरजेंसी फीस MD डॉक्टर के होने की थी, जानकारी थी, विश्वास था, प्रॉब्लम बहुत हल्की थी, इसलिए मैं उनके विश्वास पर बैठा था। सुबह डॉक्टर साहब 8 बजे बच्चा एक्सपायर हो गया, डॉक्टर साहब आए 9 बजे। उसके बाद से हम प्रशासन के पास आए, डॉक्टर की तहरीर 304 में मुकदमा हुआ, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और तब से 7 महीने हो गए। आज इसी उसमें यहाँ ये धरना बैठे हैं लोग, समाज के, जमानत भी खारिज हुई है, उसे पूरा मौका दिया है प्रशासन ने जमानत खारिज होने, अटेंडेंट की भी जमानत खारिज हुई है 14 फरवरी को। उसके बाद स्टे ऑर्डर के बाद भी, स्टे कैंसिल होने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। मतलब बच्चे के साथ मतलब ये किया है उन्होंने, मर्डर किया है साहब बच्चे का। CMO की रिपोर्ट में जो पैनल बैठा उसमें भी डॉक्टर साहब को दोषी पाया गया है, CMO की जो रिपोर्ट थी उसमें भी, और उसका ना कोई लाइसेंस कैंसिल हुआ ना उसे कोई सरकार की तरफ से हमें रिलीव मिला कि हमारे भाई बच्चे के साथ इतना गलत हुआ, उसमें हमें डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई हो।
या प्रशासन ने उसके अटेंडेंट को कोई नहीं, उसने सारी रात अटेंडेंट से ट्रीटमेंट कराया और सुबह 8 बजे बच्चा एक्सपायर हो गया। इसमें पुलिस की ढील है, प्रशासन की, IMA का दबाव है, पुलिस की ढील है। कप्तान साहब ने कहा, हम तो कप्तान साहब के भरोसे कि भाई चलो आज होगा कल होगा, 7 महीने हो गए। योगी जी की सरकार चल रही है, सरकार योगी जी का शासन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। क्या कह रहे हैं, फैसला यही किया कि अब जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी या कोई मतलब उसका हमें सही तरीके से भाई या तो उसकी गिरफ्तारी हो या उसके दंडन की गिरफ्तारी हो या उसमें कोई कार्रवाई हो, अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है 7 महीने में। डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट करता बच्चे का खुद अपने हाथ से, बच्चे को कुछ हो जाता मैं मान लेता कि हाँ डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है। सारी रात डॉक्टर कई कॉल डिटेल CCTV फुटेज सब सारे सबूत कप्तान साहब को भी दिए, उसने अपना रजिस्टर भी फाड़ के दूसरा बनाया, हर चीज में मतलब हमारे साथ वो हुआ है। कप्तान साहब को हर चीज से अवगत करा गया, बार बार मिलने आते हैं, यही आश्वासन कि आपने बहुत अच्छा वो दिया है, सभ्यता का परिचय दिया। इस सभ्यता का क्या करें हम, जब इस योगी जी की सरकार में भी हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो इस सभ्यता का भी क्या, हम इंसान जब से बैठे हैं जब से सभ्यता ही दिखा रहे हैं, हम 7 महीने से सभ्यता ही दिखा रहे हैं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।